आइए अब एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पर मिनट हार्ट बीट का माध्य संख्या निकालनी है। टेबल के पहले रो में पर मिनट हार्ट बीट की संख्या दी हुई है, जो कि एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में, जिसका क्लास साइज h = 68 - 65 = 3 है। इस क्वेश्चन में टोटल महिलाओं की संख्या 30 दी हुई है, यानी ये 30 हम कह सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 30। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना है हमें। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है एक्साइज इक्वल टू ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड बाय 2। ये एक्साइज निकालने का जनरल फॉर्मूला है। अब हम एक्स वन निकालेंगे, यानी कि पहले इंटरवल का क्लास मार्क। पहला इंटरवल 65 to 68 है, तो इसलिए एक्स वन इजकल टू 65 + 68 डिवाइडेड अपॉन 2 इज इक्वल टू 66.5। इसी तरह हम एक्स टू भी निकाल सकते हैं। एक्स टू मीन्स दूसरे इंटरवल का क्लास मार्क। दूसरा इंटरवल है 68 to 71, तो एक्स टू इजकल टू 68 + 71 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 69.5। इसी तरह हम बाकी के एक्सरसाइज निकाल सकते हैं। हमारे बाकी के एक्सरसाइज हैं x3 = 72.5, x4 = 75.5, x5 = 78.5, x6 = 81.5 और x7 = 84.5। अब हम एक मीन चूज करेंगे, जो कि xi का बीच वाला टर्म होगा। xi है 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। अब इनके बीच का टर्म 75.5 है, इसलिए a = 75.5। अब हम di निकालेंगे। di निकालने का फॉर्मूला है di = xi - a upon xi - a = अब हम इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे d1 निकाल सकते हैं। d1 = पहले इंटरवल का di x1 - a, यानी कि पहले इंटरवल का di = पहले इंटरवल का वर्ग चिन्ह माइनस a, यानी कि d1 = x1 66.5 - 75.5 = -9। इसी तरह d2 = x2 - a, that implies d2 is 69.5 - 75.5 = -6। इसी तरह d3 = -3, d4 = 0, d5 = 3, d6 और d7 - 9। अब हम ui की वैल्यू निकालेंगे। ui = di/h, ये ui का जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम u1 निकाल सकते हैं। u1 = d1/h, d1 की वैल्यू हमने निकाली अभी थोड़ी देर पहले, d1 = -9, तो u1 होगा -9/h = 3 by 3 = -3। इसी तरह u2 = d2/h, d2/h - 6/3 = -2। इसी तरह u3 is d3/h = -3/3 = -1। इसी तरह हम बाकी के ui's की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u4 होगा 0, u5 होगा 1, u6 2 और u7 3। अब हमें माध्य निकालने के लिए एक प्रोडक्ट की जरूरत है, जो कि fi और ui का प्रोडक्ट है। पहले हम इस प्रोडक्ट को निकालेंगे, फिर इन सारी वैल्यूज को हम एक टेबल में पुट करेंगे। आइए एक टेबल ड्रॉ।
आइए पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में पांच कॉलम है। पहले कॉलम में हार्ट बीट की पर मिनट संख्या है, दूसरे कॉलम में महिलाओं की संख्या है जिसे हम FI कह सकते हैं, तीसरे कॉलम में DI है जो हमने निकाला है, चौथे कॉलम में UI है, पांचवें कॉलम में FI के साथ UI का मल्टीप्लिकेशन है। महिलाओं की संख्या का टोटल सम 30 है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और लेकिन हम अगर हम इनको सम भी करेंगे इसके हर टर्म को तो ये 30 ही आएगा, यानी समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 30। इसी तरह FI UI के हर टर्म को ऐड करने पे उनका सम 4 आता है, यानी समेशन ऑफ UI FI इज इक्वल टू 4। अब हम मीन निकालेंगे, माध्य पग विचलन विधि से, माध्य स्टेप डेविएशन मेथड से, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ UI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इनटू h इक्वल टू x बार ए हमने 75.5 लिया था प्लस समेशन ऑफ UI FI 4 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ महिलाओं की संख्या 30 है, यानी समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 30 और क्लास इंटरवल हमने स्टार्टिंग में निकाला था 3 10 5 2 बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 75.9। अतः प्रति मिनट हर्ट्ज बीट्स की one